अशोकनगर में चल रही तर्पण से महापुराण कथा का छठवा दिन था आज आज इस कथा में अनुमान से कहीं अधिक भीड़ उमड़ी बीते पाँच दिनों से जो भीड़ आ रही थी आज उसका रिकॉर्ड टूट गया आज की भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि अशोकनगर में कोई कुंभ होने जा रहा हो आज से पहले अशोकनगर में किसी एक कार्यक्रम में इतनी भीड़ शायद ही पहले कभी देखी गई हो लोग इस भीड़ को लेकर अपने अपने स्तर पर कयास लगा रहे हैं इस भीड़ को लेकर लोगों का अनुमान है कि यह एक लाख से लेकर दो लाख तक की हो सकती है जिस तरह आज यहाँ भीड़ उमड़ी है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ गई लोगों के बैठने के लिए बनाया गया पंडाल सुबह ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के आसपास ही खचाखच भर गया था जितने लोग पंडाल में बैठे थे उससे कहीं ज़्यादा लोग पंडाल के बाहर मंडी परिसर में अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर या बैठकर कटा का आनंद ले रहे थे नई कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल बिक्री के लिए बनाए गए कई सारे सेट आज लगभग पूरी तरह से जनता से पटे हुए थे इसके अलावा खुले मैदान और सड़क पर भी जनता थी इतने लोगों को संभाल पाना पुलिस प्रशासन के लिए यह काम बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा भीड़ का आलम और उसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि कथा समाप्ति के बाद वापसी में घंटों तक आसपास की सड़कों पर हबजाम जाम के हालात बने रहे पांडाल के हालात दिन में ये थे कि जिसे जहाँ जगह मिली वहीं बैठा हुआ था वी गेस्ट और दूसरी जगह पूरी तरह से भरे हुए थे हर लोग बैठने मिली वो वहीं बैठ रहे थे कई लोग तो टीन सेट बनाए गए थे उसके ऊपर बैठकर कथा का आनंद ले रहे थे